أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبة عزيز دوستو السلام عليكم حديث مباركة میں آتا ہے من صلى على مرة فتح الله له بابا من العافية کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں تو بہرحال میں لیکچر پہ آتا ہوں آج میرا ایک شارٹ سا ٹاپک ہے ریشنل نمبر کے اوپر ریشنل نمبر کو ہم ڈیفینیشن اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ریشنل نمبر کی ریشنل نمبر ڈیفینیشن میں اس کی لکھتا ہوں اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے آپ نے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے مزید نمبر از سیٹ ٹو بی ا ریشنل نمبر اف اٹ کین بی رائٹ ان دا فارم آف پی اوور کیو یس q is not equal to 0 and also p and q koi bhi number jo p over q ki shakal mein likha ja sake wo hamare paas kya hota hai wo hamare paas rational number kya hota hai rational number yani ki bade ki shakal mein jo number likha ja sakta hai wo hamare paas rational number like I gave you example 4 over 5 it is a rational number Similarly, आपके पास आ जाता है 8 over 5, it is also a rational number. 3 over 2, it is also a rational number. Similarly, if I can write another example, I gave you another example, 22 over 7, is it rational? No, it is irrational number. How? आखिर ये रैशनल ये रैशनल ये रैशनल ये भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि ये बटे की शेप में ये बटे की शेप में ये बटे की शेप में ये भी तो बटे की शेप में है बट ये रैशनल नहीं है इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्योंकि जब मैं इसको डिवीजन करता हूं इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूं 4 डिवाइडेड बाय 5 नहीं जाता जीरो लगाऊंगा पॉइंट लगेगा 4 5 8 जा 40 हो जाता है क्लियर उसके बाद मैं इसको करता हूं सिमिलरली ये भी सॉल्व आउट हो जाएगा मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं ये भी सॉल्व आउट हो जाएगा मैं इसको पकड़ता हूं 3 2 ऑन द 2 डेसिमल में आ जाएगा मेरे पास आंसर 10 मीन खत्म हो गया जब मैं इसको पकड़ता हूं जब मैं इसको पकड़ता हूं डिवीजन करता हूं इसकी 22 ओवर 7 3 जा 21 होता है 1 नीचे मेरे पास आता है डेसिमल में आंसर आया 7 ऑन द 7 3 मेरे पास आया 30 3 4s are 28, 2 again 0, 3 2s are 14, 6, 0, 3 7, 8s are 56 होता है, 4 ये कि ये चलता जा रहा है, process खत्म होने का नाम नहीं है इसका, ये चलता जाएगा, ये मेरे पास क्या है? Irrational है, क्यों? ये decimal के बाद टर्मिनेट नहीं होता रैशनल नंबर के लिए जरूरी होता है टर्मिनेट हो जाना पॉइंट के बाद खत्म हो जाना तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है तो पॉइंट के बाद जो चीज टर्मिनेट नहीं होती है पॉइंट के बाद जो चीज टर्मिनेट नहीं होती है इसका आंसर नहीं निकलता वो चलता जा रहा है तो वो हमारे पास रैशनल नहीं होता वो हमेशा इरेशनल होता है मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है 22 देखिए रैशनल नंबर बटे की शेप है रैशनल बटे की शेप में तो ये भी था बट ये तो इरेशनल हो गया कैसे पता लगा जब मैंने इसको चेक आउट किया तो मुझे पता लगा ये इरेशनल क्यों ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं जा रहा इसलिए मेरे पास ये इरेशनल नंबर है आई मैं इसको चेक आउट करता हूं मैंने वैसे इसकी शक्ल देख के तो कह दिया कि ये रैशनल नंबर है क्या ये वाकई इरेशनल है आई मैं चेक करते हैं 36 18 2 डेसिमल में आ गया 36 18 डेसिमल में आ गया 36
18 डेसिमल पे आना 3 6 18 क्या ख्याल है? ये भी तो चलता ही जा रहा है, ये कौन सा खतरनाक हो गया? तो ये मेरे पास क्या है, ये इरेशनल नाम खत्म नहीं हो रहा इसलिए इरेशनल पड़ गया, इसका नाम ये भी तो खत्म नहीं हो गया, ये भी तो खत्म नहीं हो रहा ना, तो ये भी तो इरेशनल होना चाहिए, बट ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता देता हूं, ये बटे की शेप पे था बट पॉइंट के बाद इनफिनिट जा रहा है, इनफिनिट जा रहा है, इसलिए क्या है बस इरेशनल है। ये बटे की शेप पे था, मैंने चेक आउट किया कि आया कि रैशनल है या इरेशनल है, मैंने पॉइंट के बाद चेक आउट किया, ये भी पॉइंट के बाद जा रहा है इनफिनिट, ये भी इनफिनिट, ये भी इनफिनिट, दोनों इनफिनिट है बट ये रैशनल है ये इरेशनल। वजह वजह थोड़ी सी है, वजह थोड़ी सी, वो वजह क्या है, इस पॉइंट के बाद देखिए आपके पास जो डेसिमल प्लेसेस में जितने भी नंबर है वो सेम है, जितने भी नंबर है वो सेम है, ड्यू टू दिस दिस सेट टू बी अ रैशनल नंबर, इस वजह से ये नंबर आपके पास रैशनल है। और ये इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद आपके पास 1 5 2 8 आपको सो ऑन ये चलता जा रहा है बट डिफरेंट वैल्यूज बार बार आ रही है, इसलिए आपके पास इरेशनल है, ये इसलिए आपके पास रैशनल है क्योंकि ये सेम प्लेसेस आ रहा है, नो डाउट कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेड है, पॉइंट के बाद अगर रिपीटेड वैल्यूज आ जाए आपके पास तो आपने उसको रैशनल का नाम देना है, अगर पॉइंट के बाद आपका नॉन रिपीटेड वैल्यू आ रही है और अनफिनाइट आ रही है तो आपके पास रैशनल नहीं, वो इरेशनल नंबर होगा। तो पता चल गया कि हर नंबर जो बटे की शेप में होता है वो रैशनल नहीं होता, क्या है उसको चेकआउट करते हैं, जब हम उसको चेकआउट करते हैं, चेकआउट करने के बाद अगर वो बटे की शेप में है नो डाउट है, आप देखें कि पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो गया, अगर टर्मिनेट हो गया तो आपका वो रैशनल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया वो आपका रैशनल है, टर्मिनेट नहीं हुआ वो रैशनल हो सकता है अगर रिपीट हुआ तो, ठीक है, लाइक दिस आई गिव यू एग्जांपल, ठीक है, पॉइंट के बाद 666 आता गया तो आपके पास किस शेप में आ गया, ये आपका रैशनल नंबर है, और ये पॉइंट के बाद डिफरेंट प्लेसेस आते हैं, डिफरेंट नंबर्स आते गए हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन इट इज सेड टू बी अ इरेशनल नंबर, दैट इट इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर। इसी तरह मेरे पास अंडर रूट वाली वैल्यूज होती है, अंडर रूट वाली वैल्यूज कोई भी आ जाए वो आपके पास इरेशनल होती है, 5 आ जाए 7 आ जाए, ठीक है, ये सारी आपके पास इरेशनल वैल्यूज होती है, और पाई which is equal to 22 over 7, it is also an irrational number, ठीक है, तो बेटा ये आपके पास rational number के बारे में है, मैंने थोड़ा सा उनको topic आपको discuss किया rational number के बारे में, मैंने आपको बताया, यकीनन आपको समझ आ गई होगी rational number की, अगर नहीं आई तो मुझे आप message कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं इसको एक बार फिर explain कर दूंगा।